गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है स्टॉक्स का नियम या स्टॉक्स लॉ। इस लॉ के अनुसार क्या है कि जब भी कोई गोला या पिंड या कोई भी वस्तु है, वो जब श्यान तरल में विस्कस लिक्विड में गिरती है स्वतंत्रता पूर्वक, तो उस पर प्रभावी रूप से तीन बल कार्य करते हैं। वो तीन बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उस पर लगने वाले जो ऊपर की ओर बल है वो नीचे की ओर लगने वाले बल से बैलेंस हो जाते हैं। जब जाके तब वह पिंड या वस्तु है वो एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है और उसके बाद वो वेग में परिवर्तन नहीं होता है, तो उस निश्चित वेग को सीमांत वेग कहते हैं एवं उस दौरान उसका त्वरण शून्य हो जाता है। तो यहां पर उससे संबंधित हम निश्चित वेग का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे एवं जो विस्कस लिक्विड है उसका श्यानता गुणांक क्या है उसको ज्ञात करने का सूत्र हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि जैसे ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या r है, इस गोले का द्रव्यमान m है, गोले का आयतन v है, गोले का घनत्व rho है। यह गोला विस्कस तरल जो है, जो श्यान तरल है जिसका घनत्व सिग्मा है, ये किसका घनत्व है? सिग्मा श्यान तरल का, उसमें गिर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक। तो इस गोले पर तीन बल कार्यरत होंगे, एक तो गोले के भार के कारण नीचे की ओर लगने वाला बल एम जी, यानी द्रव्यमान इंटू गुरुत्व त्वरण एम जी उस गोले के भार के बराबर। उस जब गोला तरल में गिरेगा तो तरल में गिरते ही गोला अपने आयतन के बराबर तरल को विस्थापित करता है, तो उससे एक बल उत्पन्न होता है और उस बल को कहते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावक बल। तो उत्प्लावक बल में क्या करता है कि द्रव है वो गोले के विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, और वह बल अगर गोला नीचे की ओर गिर रहा है तो बल किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। तो उत्प्लावक बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। और जब गोला किसी तरल पदार्थ में गिर रहा है तो तरल पदार्थ में अलग अलग तरल की सतह होती है, वो सतहें क्या करती है? आपेक्षिक गति का विरोध करती है और श्यान बल लगाती है। तो वो जो श्यान बल है वो हमेशा गोले की गति का विरोध करेगा। तो गोले की गति का विरोध, गोले की गति किस दिशा में? नीचे की ओर है, तो श्यान बल विरोध करने के किस दिशा में लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। तो यहां पर तीन बल कार्यरत कर रहे हैं, पहला गोले के भार के बराबर mg, दूसरा उत्प्लावक बल ऊपर की ओर और श्यान बल ऊपर की ओर। तो यहां तीन बल है, पहला बल है जो भार के कारण वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, और उत्प्लावक बल प्लस श्यान बल किधर कर रहे हैं? ऊपर की ओर। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो गोले के भार के बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल, गोले के भार के बराबर नीचे की ओर लगने वाला जो बल है वो माना W1 है, उसका मान कितना होगा? m इंटू जी, और m क्या है? द्रव्यमान, और घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो m बराबर कितना हो जाएगा? आयतन इंटू घनत्व और g, तो W1 बराबर m रो g। ये माना पहली इक्वेशन हो गई। अब उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल मैंने बताया कि वो जितना गोला द्रव में गिरने पर उसके आयतन के बराबर पानी विस्थापित करेगा उसके बराबर
या उस विस्थापित पानी के भार के बराबर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। तो माना कि जो द्रव का गोले के द्वारा हटाए गए द्रव का भार या द्रव्यमान, द्रव का द्रव्यमान एम डैश है, तो एम डैश इंटू जी हो जाएगा। डब्ल्यू टू कितना हो जाएगा? एम डैश इंटू जी। और हमें पता है एम डैश कितना होगा? एम डैश बराबर वी इंटू घनत्व किसका? तरल पदार्थ का। तो यहां पर तरल पदार्थ का घनत्व हम क्या ले रहे हैं? सिग्मा, सिग्मा लिया है। तो एम डैश बराबर वी इंटू सिग्मा होगा। यहां पर वी आयतन हमने एक ही लिया है, गोले का आयतन भी उतना ही लिया है और गोले द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन भी V ही लिया है। इसलिए लिया है कि जब गोला तरल पदार्थ में जाएगा तो गोले का जितना आयतन है उतना ही आयतन द्रव का वहां से हटाएगा, क्योंकि अपने आयतन के बराबर ही वहां जगह घेरेगा। तो जितनी वो जगह घेरता है, जितना वो गोले का आयतन है उतनी जगह घेरेगा, तो जो द्रव का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। इसलिए एम डैश बराबर वी इंटू सिग्मा। तो डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा? उत्प्लावक बल का मान कितना हो जाएगा? एम डैश वी सिग्मा इंटू जी। तो ये उत्प्लावक बल का मान हो गया। अब गोला है वो द्रव की परतों के बीच में धीरे धीरे गिरेगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसका मतलब जब स्टार्ट में इनिशियल पॉइंट पे गोले का वेग जीरो होगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो उसका वेग बढ़ता जाएगा। वेग बढ़ेगा तो जो श्यान बल है उसका विरोध कर रहा है उस वो भी बढ़ेगा, क्योंकि विरोध करने के लिए जितना उसके अपोजिट डायरेक्शन में बल लग रहा है उतना ही उसको लगाना पड़ेगा द्रव को। तो आपेक्षिक गति का विरोध करने के लिए श्यान बल माना कि एफ लग रहा है। लेकिन क्या देखने में आया कि जैसे जैसे पिंड नीचे की ओर बढ़ता जाता है पिंड का वेग भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ऊपर की ओर लगने वाले बल नीचे की ओर लगने वाले बलों के बराबर हो जाते हैं तो उस दौरान जो गोला वेग प्राप्त कर लेता है उसे क्रांतिक वेग या नियत वेग के नाम से जानते हैं। और उस नियत वेग जब प्राप्त कर लेगा उसके बाद गोले का वेग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर की ओर लगने वाले बल नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर हो जाएंगे, गोले को एक फिक्स वेलोसिटी दे देंगे, एक नियत वेलोसिटी दे देंगे। तो इस नियत वेग को क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं और इसको वीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सीमांत वेग की परिभाषा यदि पूछी जाए तो क्या लिखेंगे कि जब कोई ठोस गोला तरल पदार्थ में गिरता है तो कुछ समय पश्चात उस ठोस गोले पर लगने ऊपर की ओर लगने वाले बल नीचे की ओर लगने वालों बलों के बराबर हो जाते हैं तो उस समय गोले का जो वेग होगा वह सीमांत वेग कहलाएगा। उसके बाद सर जॉर्ज स्टोक ने द्रव में गिरते हुए पिंड जिसकी त्रिज्या आर है, सीमांत वेग वीटी है, यानी जब बैलेंस हो गया फोर्स ऊपर और नीचे का तो उस टाइम जो वेग है वो सीमांत वेग वीटी है, एवं द्रव का श्यानता गुणांक ईटा हो, तब श्यान बल का मान ज्ञात किया और प्रयोगों से, और वह मान कितना मिला? एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी टी। तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम सीमांत वेग जब प्राप्त कर लेते हैं तब क्या देखते हैं कि ऊपर की ओर लगने वाले बल नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर होते हैं। ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है? एक तो लग रहा है श्यान बल और दूसरा उत्प्लावक बल। तो ये लेफ्ट साइड में दोनों ले लेते हैं और राइट साइड में गोले के भार के बराबर नीचे की ओर लगने वाला बल को बराबर कर देते हैं। और यहां पर एफ बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। एफ बराबर डब्ल्यू वन की वैल्यू कितनी? वी रो जी, और डब्ल्यू टू की वी सिग्मा जी है। तो यहां से वी कॉमन लिया तो रो माइनस सिग्मा इंटू जी। यदि गोले का आयतन वी 4/3 पाई आर क्यूब है तो, और
एफ का मान यहां से जो 6 पाई ईटा आर वी टी था तो उसको रख देते हैं 6 पाई ईटा आर वी टी बराबर 4 बटे 3 पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो यहां पर एक पाई से ये पाई कैंसल हो जाएगा, यहां आर क्यूब है तो एक आर से एक आर कैंसल हो जाएगा, और ये 4 है इधर 6 है तो 2 से भाग देंगे इधर 3 बचेगा इधर 2 बचेगा। इस प्रकार से इस वी टी का मान 2/9 आर स्क्वायर बाय ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू जी प्राप्त होता है। तो जो सीमांत वेग है उसका मान जब ठोस गोला द्रव में गिरता है तो उसका मान किस किस पर निर्भर करेगा, श्यानता गुणांक पर निर्भर करेगा, गिरते हुए गोले की त्रिज्या पर निर्भर करेगा, गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करेगा, और जो गोला गिर रहा है उसका घनत्व और जिस तरल में गिर रहा है उन दोनों घनत्वों के अंतर पर भी निर्भर करेगा। तो किसी भी गिरते हुए गोले का सीमांत वेग ज्ञात करने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, गोले की त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, श्यानता गुणांक की जरूरत पड़ेगी, गोले के घनत्व की, तरल के घनत्व की, एवं गुरुत्व त्वरण का मान हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और सीमांत वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होगा। और यदि आपको श्यानता गुणांक ईटा निकालना है तो ईटा को यहां ले आओ तो वी टी यहां रख दो तो ईटा बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन वी टी। कई बार दो नंबर में या एक नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है कि कोई गोला गिर रहा है श्यान तरल में, उसकी त्रिज्या आर है, श्यान तरल का जो गुणांक है श्यानता गुणांक वो ईटा है, दोनों का घनत्व दे दिया जाता है, तो सीमांत वेग का मान क्या होगा या उसका क्या सूत्र होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है उसका सूत्र ये होगा। धन्यवाद।